मेरा नाम प्रियंका है और मेरा ग्राम चपरापुर भी, पोस्ट भी चपरापुर भी में, मैं चपरापुर भी की निवासिनी हूँ। और सर मेरे साथ एक राजेश कुमार प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय चपरापुर भी का, कंपोजिट विद्यालय का प्रधानाध्यापक है सर। वो मेरे साथ कक्षा 8 से जब पढ़ रही थी सर, तभी वो मेरे साथ वो शारीरिक संबंध बनाता था सर। वो गलत करता था मेरे साथ सर, ज़बरदस्ती मेरे साथ ही करता था। उसके बाद सर मैं वहाँ से पढ़ के जब निकली, उसके बाद सर मेरी 26 अप्रैल 2022 को मेरी शादी हो गई सर। उसके बाद वो मेरे ससुराल में जा कर के मेरे हस्बैंड से बोला कि उसे भेज दीजिए, हम उससे शादी करेंगे। और उनके पास कोई मेरा वीडियो था सर, वो वीडियो के माध्यम से मेरे हस्बैंड को भेजते थे और मेरे पास भी लेकर के वो मुझे ब्लैकमेल करते थे। और वीडियो के माध्यम से मेरे साथ वो गलत ही करते आए हैं सर, वो मेरे साथ दुष्कर्म कर रहे हैं सर। और 9 अगस्त को सर, मैं 9 माह की 7 महीने की प्रेग्नेंट हूँ सर। ये ज़बरदस्ती मुझे सफाइया करवाने लेके जा रहे थे, उसके बाद सर मैं नहीं जा रही थी। उसके बाद उमरिया आर्या हॉस्पिटल में लेकर के गए वहाँ सफाइया करवाने के लिए, मैं औजार देखी वहाँ से भाग गई सर। उसके बाद फिर 9 अगस्त को सर ये मुझे लेकर के जा रहे थे अपने रिश्तेदार में, रिश्तेदारी में लेकर के मुझे गए थे। फिर वहाँ सर कि ये बोले कि वहाँ चलो रहेंगे, उसके बाद सफाइया करवाने ले जा रहे थे सर। मौके पे 112 नंबर पे मैंने कॉल किया, पुलिस वहाँ पे पहुँची, किसी तरह हम बच पाए सर। 9 अगस्त को मेरी मुकदमा दर्ज हुआ सर यहाँ थाने में, धनगटा थाने में। अभी तक वो पकड़ा नहीं गया सर, आज 15 दिन हो गए सर। अभी क्या दिक्कत आ रही है? अभी दिक्कत ये आ रही है कि हमको बार बार उनके ओ और उनके बीवी के माध्यम से धमकियाँ मिल रही हैं सर। मेरे ऊपर बहुत खतरा है सर, तो इनकी बीवी कह रही है तुम मुकदमा उठवा लो, मेरे पति के जेल से बचाओ और मुकदमा उठवा लो, नहीं तो तुमको तुम्हारी हत्या मैं करवा दूंगी सर। और थाने पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर, हम बार बार थाने पे दौड़ के आ रहे हैं, रोज़ आ रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर। धमकी सर ये दे रहे हैं कि और कि तुम मेरे पति को जेल से बचा लो और मुकदमा उठा लो, नहीं तो मैं तुम्हारी हत्या करवा दूंगी सर। मैं कहीं जा आ रही हूँ सर, मुझे बहुत डर लग रही है सर। मैं यशमी जी सर, हमने यशो सर के पास फ़ोन करके बताया। उसके बाद सर ने बोला कि एक मुकदमा दर्ज करवाओ, हमने धमकी का मुकदमा भी दर्ज करवाया सर। उसके बाद सर मैं एसपी ऑफिस भी कल गई थी, एसपी ऑफिस से सर बात की, एक एसओ सर बोले कि हाँ, और मैं कार्रवाई कर रहा हूँ, उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, वो भाग रहा है। लेकिन सर वो गांव में घूम रहा है और ऐसे घूम रहा है, लेकिन उसे कोई पकड़ नहीं रहा सर। और एसओ साहब के पास मैं आई तो सब लोग यहाँ बोल रहे हैं कि वो छुट्टी पे हैं, जो कि एसपी सर से वो बात किए थे कल के डेट में सर। और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है सर, हम यहाँ से खैलाबाद तक दौड़ रहे हैं सर। मैं सोच रही हूँ उसे पकड़ा जाए और मेरी जान के कोई हत्या की मतलब मेरे जान पे कोई खतरा ना हो सर, और उसे पकड़ा जाए और कि सर उसके ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाए। जी आपका शुभ नाम? राम कुमार प्रजापति। देखिए सर, इसमें जो है राजेश जी जो है लगभग 2009 से यहाँ कार्यरत हैं, और यहाँ हमको किसी अध्यापक को ये नहीं लगा कि ऐसा वो जो है कैसा, ऐसा मामला कोई यहाँ दिखने में नहीं आया, लेकिन उनका मामला था, पहले भी सुनने में आया है। अभी इससे पहले एसडीआई साहब जो है, बीओ साहब जो है, इस मामले के संबंध में हमसे जो है टीसी वगैरह के लिए आए थे मांगने। तो मामला तो जैसा है वो है ही, लेकिन थोड़ा सा हम लोग असहज महसूस कर रहे हैं अध्यापक होके, और हमारी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है इस ज़िले में, लगभग 700 के करीब छात्र संख्या हमारे यहाँ है। और अब जो है पिछले वर्ष 1000 थी, कुछ घटी है, अब लग रहा है कि संख्या जो है घटना शुरू हो गई है, लोग थोड़ा सा प्रभावित हो रहे हैं इससे, इस घटना से। यही सब चीज़ें हैं सर। हाँ, कुछ गार्जियन जो है ज़रूर आए थे और कह रहे थे कि टीसी वगैरह, लेकिन कुछ मामला ये बताया नहीं, किस वजह से, कारण नहीं बताया, लेकिन कुछ टीसियाँ जो है या कुछ नामांकन यहाँ से गया है, ऐसा है। थाना धनगटा के ग्राम चपरापुर में एक लड़की ने एक शिक्षक पर, जिसका नाम राजेश कुमार है, एक मुकदमा दर्ज कराया कि पिछले कई सालों से उसका शोषण किया जा रहा है। इसमें मुकदमा दर्ज करके लड़की के बयान कराए गए हैं। अपराध प्रमाणित होने के बाद शिक्षक राजेश की तलाश तेजी से की जा रही है। इस दौरान बात प्रकाश में आई है कि उस लड़की को इसके परिवारजन द्वारा धमकी भी दी जा रही है, जिसके संदर्भ में आज एक मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। इसकी गिरफ्तारी हेतु एक टीम बना दी गई है, जल्दी ही गिरफ्तारी करके मुकदमे का
निस्तारण किया जाएगा।